Hello students, now in this video today we will discuss mutual inductance. Mutual inductance. Now it is also same as self-inductance. What is this? It is a production of induced EMF in one coil due to change in current of the neighboring coil. Same वही चीज है. ये सपोज एक कॉइल है, ये सपोज आपका क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया इसमें कनेक्टेड, ठीक है. ये आपकी क्या हो गई, दूसरी कॉइल हो गई. ये आपका क्या है, की हो गया. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो जब हम की को क्लोज करेंगे तो करंट पहले चेंज होगा, तो वो जो करंट चेंज होगा उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा. क्या शो करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा. तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो व्हाट वी कैन से दैट चेंज इन करंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन वन कॉइल देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल, और इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट ऑफ द नेबरिंग कॉइल. ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं. अच्छा, अब जो इसमें ईएमएफ, जब इसमें जब आपका करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या, फ्लक्स लिंक यहाँ पे, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है. तो जो फ्लक्स लिंक इसमें हो रहा है फाइ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल है. भाई जितना करंट ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, जितना करंट कम होगा फ्लक्स उतना कम होगा. तो फ्लक्स इन द सेकेंड कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द फर्स्ट कॉयल. तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई. ओके, देन फाइ इज इक्वल टू एम आई. अगेन एम यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. व्हाट इज एम इज हेयर, एम क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. इसे हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है. और इसको एक और भी चीज बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक. अब अगर जो करंट फ्लो कर रहा है वो यूनिटी है, इफ आई इज इक्वल टू वन, इस केस में फाइ इज इक्वल टू एम. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी. अगर नेबरिंग कॉइल से यूनिटी करंट फ्लो कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होगा, फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल के बराबर होगा. कहने का मतलब ये है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगा, जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, कब, अगर आपका करंट क्या है, वन है. इसकी भी यूनिट जो होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, सेम एज सेल्फ इंडक्टेंस होती है हेनरी. सेम ही है क्वांटिटी, सेम ही है, बट वहां पे उसी कॉइल में हो रहा है तो वी कॉल्ड इट सेल्फ इंडक्टेंस. यहाँ पे नेबरिंग कॉइल में हो रहा है, दैट्स व्हाई एक की वजह से दूसरे में हो रहा है, तो म्यूचुअल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डीटी. रेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइ किसके बराबर है, एम इंटू आई के बराबर. यहाँ पे पुट कर दो तो ई इज इक्वल टू माइनस का डी बाय डीटी एंड देन एम आई. एम कॉन्स्टेंट इधर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी. तो E इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस एम डी आई बाई डी टी. ये आपका क्या हो गया, EMF induced. ओके, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर यूनिटी है, अगर इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वन, अगर आपका डी आई बाई डी टी क्या है, आपका यूनिटी है, इन दैट केस, इन दैट केस जो आपका ये है मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो व्हाट वी कैन से, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉयल इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इज unity, if rate of change of current is unity. So this is the mutual inductance. Now we will see mutual inductance because of
टू सोलेनाइड्स, ठीक है, टू सोलेनाइड्स, लॉन्ग सोलेनाइड्स।